शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, शिव बाबा पधारे ओ ओ। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, सिखा के बदला सभी का जीवन, आदि देव प्रजा पिता श्री बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, शिव बाबा पधारे ओम। शांति सभी स्वदर्शन चक्रधारी बाप पर बलिहार अथक विश्व कल्याणकारियों को गॉडली मॉर्निंग। परमात्मा शिव निराकार ब्रह्मातन लेते हैं उधार, देते हमें स्वर्ग का उपहार, ये निश्चय ही है विजय का आधार। बाबा आज भक्ति मार्ग के बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर करते हैं, हमें समय व एनर्जी का महत्व बताते हैं, हमें हमारे 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं, रमणीक मजे की नॉलेज देते हैं जिससे हम शांतचित्त बनते जाते हैं। है ना ऐसा अनुभव सभी का? आज तारीख है 17 अक्टूबर 2023। तो सभी खतरों से दूर करने वाली पढ़ते हैं आज की रूहानी पढ़ाई। मीठे बच्चे, तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है। मैं हूं निराकार, मुझे भी कल्प में एक ही बार रथ चाहिए। मैं ब्रह्मा का अनुभवी वृद्ध रथ उधार लेता हूं। 60 वर्ष की आयु दादा लेखराज जी की, बाबा ने उनको ब्रह्मा नाम दिया, उनके शरीर का आधार लिया, लोन लिया, उधार लिया उनका रथ, ताकि हम आत्माओं से, हम बच्चों से निराकार परमात्मा बाप मिल सके। बाबा कहते हैं तुमको अपना शरीर है, लेकिन पूरे कल्प में मैं एक बार आके ये अनुभवी वृद्ध तन उधार लेता हूँ। देखो हमारे लिए बाबा को पवित्रता के सागर को पतित दुनिया में पतित तन में आना पड़ता है ना? तो बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर शरीर का भान भूलना अति सहज है? हमें शरीर का भान भूलना है, देह भान भूलना है, लेकिन क्या निश्चय हो जाए ताकि हम ये आसानी से भूल जाए शरीर को? उत्तर में बाबा कहते, तुम बच्चों ने निश्चय से कहा, बाबा हम आपके बन गए, तो बाप का बनना माना ही शरीर का भान भूलना, क्योंकि बाबा निराकार है, विदेही है, शरीर नहीं है, तो उनके बन गए माना उनके जैसे बन गए।
तो हम आपके बन गए, तो बाप का बनना माना ही शरीर का भाल भूलना। जैसे शिव बाबा इस रथ पर आता और चला जाता, ऐसे तुम बच्चे भी प्रैक्टिस करो इस रथ पर आने जाने की। कर्म है तो देह में आए, कर्म खत्म तो कर्म इंद्रियों को समेट लो। इस भान से परे हो जाओ कि मैं शरीर में आकर कर्म कर रही हूँ या मैंने कर्म किया। तो जब कर्म करते हैं तो ये याद रहे कि मैं आत्मा इस शरीर की कर्मेंद्रियों से कर्म कर रही हूँ, और कर्म पूरा होते ही इस शरीर से बाहर निकल जाना है, डिटैच हो जाना है। बाबा कहते हैं इसका अभ्यास करो, आओ जाओ। जैसे बाबा का अवतार होता है, अवतरण लेते हैं बाबा, वैसे भी मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूँ, ये हमें अभ्यास होना चाहिए। और शरीरी बनने का अभ्यास करो, इसमें मुश्किल का अनुभव नहीं होना चाहिए। अपने को निराकारी आत्मा समझ बाप को याद करो। तो शरीर रथ है, तो कभी इस रथ में आना है, कभी निकल जाना है। शरीर ड्रेस है, कभी ड्रेस पहननी है, छोड़ देनी है। बाबा कहते हैं इसका अभ्यास करो, अशरीरी निराकारीपन का अभ्यास करना है। गीत बजा ओम नमो शिवाय। ओम शांति। शिव बाबा बच्चों को इस ब्रह्मा के रथ द्वारा समझाते हैं, क्योंकि बाप बच्चों से ही पूछते हैं, मुझे अपना रथ तो है नहीं, मुझे रथ तो जरूर चाहिए। जैसे तुम हर एक आत्मा को अपना अपना रथ है ना, देखो तभी शरीर से निकल जाती आत्मा तो अर्थी बोलते हैं, रथी निकल गया। और सारथी बाबा को बना लो तो जीवन ही सफल हो जाए, जीवन ही परिवर्तन हो जाए। तो मैं आत्मा रथी, शिव बाबा सारथी, बाबा की डायरेक्शन से ही सारे काम करने हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है ना, लक्ष्मी नारायण आदि सब आत्माओं को शरीर रूपी रथ है जरूर, जिसको अश्व कहते हैं। तो शरीर रूपी रथ घोड़ा है तो मनुष्य ना, मनुष्यों की ही बात समझाई जाती है, जानवरों की बातें जानवर जाने। कई पूछते हैं ना कि बाबा आएंगे तो जानवरों का भी उद्धार होगा, जानवरों का परम धाम कहाँ है, जानवरों का उद्धार कैसे होगा, खुद के उद्धार की चिंता नहीं है, जानवरों की बात करते हैं। तो यहाँ तो मनुष्य सृष्टि है, तो बाप भी मनुष्यों को बैठ समझाते हैं, मनुष्य में भी जो आत्मा है उनको बैठ समझाते हैं, डायरेक्ट पूछते हैं, तुम हर एक को अपना अपना शरीर है ना, हर एक आत्मा शरीर लेती और छोड़ती है। मनुष्य तो कह देते कि आत्मा 84 लाख जन्म लेती है, लख 84 की बात थी कि अपने 84 जन्मों को देखो तो लख से लाख कर दिया, सिंधी में कहते हैं ना लख 84। तो यह भूल है, जबकि तुम 84 जन्म लेकर ही बिल्कुल फां हो गए हो, थक गए ना, बार बार ड्रेस चेंज करेंगे तो थक गए, कितने तंग हो गए हो। तो 84 लाख जन्मों की तो बात ही नहीं, यह है मनुष्यों के गपोड़े। तो बाप समझाते हैं तुम आत्माओं का भी अपना अपना रथ है, मुझे भी तो रथ चाहिए ना, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। गाते भी हैं पतित पावन ज्ञान का सागर, तुम और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण आदि को भी नहीं कहेंगे। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला अर्थात पावन सृष्टि स्वर्ग का रचयिता परम पिता परमात्मा बिगर कोई हो नहीं सकता, सुप्रीम फादर वही है। बाप जानते हैं तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो, जितना जितना पढ़ाई करेंगे समझेंगे, बाबा को याद करेंगे, बुद्धि से पत्थर निकलते जाएंगे, बुद्धि सोना होती जाएगी, पारस होती जाएगी। इसके लिए पारस नाथ के साथ ही रहना है। बाहर वाले मनुष्य यह नहीं जानते, तो बाप समझाते हैं मुझे भी जरूर रथ तो चाहिए ना, मुझ पतित पावन को जरूर पतित दुनिया में आना पड़े ना। प्लेग की बीमारी होती है तो डॉक्टर को प्लेगियों के पास आना पड़ेगा। देखो महामारी होती है, छुआछूत की बीमारी होती है, तो डॉक्टर आकर इलाज करते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारे में 5 विकारों की बीमारी आधा कल्प की है, मनुष्य तो दुख देने वाले हैं,
इन पांच विकारों से तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो। तो बाप समझाते हैं, मुझे पतित दुनिया में ही आना पड़े ना। पतित को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है, पावन को श्रेष्टाचारी कहेंगे। बरोबर तुम्हारा भारत पावन श्रेष्टाचारी था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसकी ही महिमा गाते हो सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण। वहाँ सब सुखी थे, यह तो कल की ही बात है। तो बाप कहते हैं, मैं आऊँ तो कैसे आऊँ, किसके शरीर में आऊँ? भगवान को बुलाना है तो कैसे आएंगे? पहले तो मुझे प्रजापिता चाहिए, सूक्ष्म वतनवासी को यहाँ कैसे ले आ सकता? वह तो फरिश्ता है ना, उनको पतित दुनिया में ले आऊं यह तो दोष हो जाए। किसी पावन आत्मा को बाबा पतित दुनिया में ले आए, जो संपूर्ण बन गए हैं उनको ले आए, तो ये तो पाप हो जाए ना, दोष लग जाए। तो जहाँ गंदगी होती है वहाँ आकर, उनमें आकर देखो सफाई करते हैं बाबा। कहेंगे मैंने क्या गुनाह किया? यदि किसी संपूर्ण आत्मा को, पावन आत्मा को बाबा धरती पर ले आए पतित दुनिया में, तो आत्मा पूछेगी ना कि मैंने क्या गुनाह किया, मेरी क्या गलती थी जो आप मुझे इतनी अच्छी जगह से ऐसी गंदी दुनिया में ले आए। तो बाप बड़ी रमणीक बातें समझाते हैं, समझेगा वही जो बाप का बना होगा, घड़ी घड़ी बाप को याद करता रहेगा। बाबा को तो बाबा के बच्चे ही समझ सकते हैं, हाँ, और वो भी जो याद करें ना वही समझ सकते हैं उनकी बात अच्छे से। बाप कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब धरती पर पाप बढ़ जाता है। कलयुग में मनुष्य कितने पाप करते हैं। तो बाप पूछते हैं, बच्चे बताओ मैं आऊँ तो किस तन में आऊँ? कोई अपना तन ऑफर करेगा? हाँ, चाहते तो सब हैं, लेकिन ऐसे गुणवान धारणा मूर्त हैं, झाटकू आत्मा है, एक बार में मन बुद्धि समर्पित कर सकते हैं एक सेकंड में बाबा को? तो बाबा पूछते, बताओ मैं किस तन में आऊँ? मुझे चाहिए भी जरूर वृद्ध अनुभवी रथ। 60 साल के गृहस्थी थे दादा लेखराज जी, ब्रह्मा तन। देखो कैसा अनुभवी रथ लिया बाबा ने। यह जो मैंने रथ लिया है, बरोबर इनके बहुत गुरु किए हुए हैं, 12 गुरु किए थे, शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, यह भी लिखा हुआ है ना कि बहुत पढ़ा हुआ था। हाँ देखो, ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। अर्जुन की बात नहीं, मुझे कोई अर्जुन व कृष्ण का रथ थोड़े ही चाहिए, ज्ञान अर्जन करने वाला अव्वल नंबर की आत्मा। मुझे तो चाहिए ब्रह्मा का रथ, उनको ही प्रजापिता कहेंगे। कृष्ण को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे, बाप को तो ब्रह्मा का ही रथ चाहिए जिससे ब्राह्मणों की प्रजा रचे। तो ब्रह्मा बाबा का रथ, ये तन बाबा का फेवरेट, भगवान का फेवरेट, ब्राह्मणों का है सर्वोत्तम कुल। बाबा कहते हैं, बाबा को ब्रह्मा का ही रथ चाहिए जिससे ब्राह्मणों की प्रजा रचे, और ब्राह्मणों का है सबसे उत्तम कुल, श्रेष्ठ कुल। विराट रूप दिखाते हैं ना, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बाकी ब्राह्मण कहाँ गए यह किसको भी पता नहीं। ऊंच से ऊंच है ब्राह्मणों की चोटी, चोटी हो तभी समझा जाता है कि यह ब्राह्मण है। माना धारणा में उच्च होने चाहिए, श्रेष्ठ होने चाहिए, जिसको कि ब्राह्मण लोग क्या करने लग गए, चोटी रखने लग गए। पर वैसे ऊंचे होने चाहिए, विचार ऊंचे होने चाहिए, स्थिति ऊंची होनी चाहिए। सच्ची सच्ची चोटी तो तुम्हारी है, तुम राजऋषि हो बड़ी चोटी वाले। राजऋषि आत्मा का कर्मेंद्रियों पर राज हो, स्वराज्य अधिकारी, ऋषि बेहद के वैरागी हो, तो ये बड़ी चोटी वाले महानता में ऊंचे। ऋषि उनको कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। तुम हो राजयोगी, राज ऋषि, राजाई के लिए तपस्या कर रहे हो, वह मुक्ति के लिए हठ योग की तपस्या करते हैं। तुम जीवन मुक्ति राजाई के लिए राजयोग की तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति, शिव बाबा तुम्हें री इनकारनेट करते हैं। एक शरीर में ही हमारा ये दूसरा जन्म, मर्जीवा जन्म, द्विज ब्राह्मण दूसरा जन्म। तो तुम फिर से भारत में जन्म लेते हो, जन्म लिया है ना,
कोई कोई ने भल जन्म लिया है परंतु समझते नहीं कि हम शिव बाबा के बने हैं, उनके पास जन्म लिया है। अगर ऐसा समझे तो शरीर का भान बिल्कुल ही निकल जाना चाहिए। तो देह में रहते हुए भी देह के भान से परे, देह की दुनिया से दूर। तो अगर ऐसा समझे खुद को कि हम शिव बाबा के बने हैं, उनके पास जन्म लिया है, तो शरीर का भान बिल्कुल निकल जाना चाहिए। जैसे शिव बाबा निराकार इस रथ में हैं, तुम भी अपने को निराकार आत्मा समझो। बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, अब वापस घर चलना है। तुम तो पहले अशरीरी थे, फिर देवी व देवता का शरीर लिया, फिर क्षत्रिय शरीर, फिर वैश्य शरीर, फिर शूद्र शरीर लिया, अभी फिर तुम अशरीरी बनो। तुम मुझ निराकार को ही कहते हो, बाबा अभी हम आपके बने हैं, हमको वापस जाना है, देह को तो ले नहीं चलना है। हे आत्माएं, अब मुझ बाप को और स्वीट होम को याद करो। मनुष्य जब विलायत से लौटते हैं तो कहते हैं, चलो अपने स्वीट होम भारत में चले। सबको अपना अपना घर याद आता है, जहां जन्म लिया था वहां लौटे, होम टाउन। मनुष्य मरते हैं तो जहां जन्म लिया था उनको वहां ले जाते हैं, समझते हैं भारत की मिट्टी का बना हुआ है तो वह मिट्टी भारत में ही छोड़े। मिट्टी मिट्टी में मिल जाए, अपने देश में ही जाना चाहते हैं, दफनाना चाहते हैं, जलाना चाहते हैं या बहाना चाहते हैं, देखो। तो जहाँ की मिट्टी, जहाँ के नागरिक, उसी देश में जाए, मिल जाए मिट्टी में। लाते हैं ना, मरने के बाद भी शरीर को देखो लेकर आते हैं, पार्थिव शरीर। बाप कहते हैं, मेरा जन्म भी भारत में है, शिव जयंती भी मनाते हो, मेरे नाम तो ढेर रख दिए हैं, हजारों नाम हैं शिव बाबा के। कहते हैं, हर हर महादेव, सबके दुख काटने वाला, वह भी मैं ही हूँ, शंकर नहीं है। सबके दुख हरने वाला, दुख दूर करने वाला, देवों का देव महादेव शंकर नहीं है, शिव बाबा है। ब्रह्मा सर्विस पर हाजिर है, और फिर जो स्थापना करते हैं वही विष्णु के दो रूप से पालना करेंगे। मुझे प्रजापिता ब्रह्मा जरूर चाहिए, आदि देव का बरूबर मंदिर भी है। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर आदि देव ऋषभ देव स्वामी ब्रह्मा ही है, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में। आदि देव किसका बच्चा है, कोई बताए उनका बाप कौन था। आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा है, उनका बाप है शिव। यह जगत पिता जगत अम्बा का यादगार मंदिर है। इस आदिदेव ब्रह्मा के रथ में बाप ने बैठ ज्ञान सुनाया है। कोठरी में सब बच्चे बैठे हैं, सभी का मंदिर तो नहीं बनाएंगे। देखा है दिलवाड़ा मंदिर, कोठरियां बनी हुई हैं, तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो मुख्य है 108 की माला, तो 108 कोठरियां बना दी हैं, 108 की ही पूजा होती है। मुख्य है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती युगल, वह शिव बाबा है फूल, उनको अपना शरीर नहीं है, ब्रह्मा सरस्वती को अपना शरीर है। माला शरीरधारियों की बनी हुई है, सब माला को पूजते हैं। देखो माला फिरते रहते हैं ना, पूज कर पूरा करेंगे, फिर शिव बाबा को नमस्कार करेंगे, माथा झुकाएंगे, क्योंकि उसने इन सबको पतित से पावन बनाया है, इसलिए पूजी जाती है। माला फिरते हैं, देखो फिर झुकते हैं, आंखों में लगाते हैं, चूमते हैं, है ना, वो फूल रहता है उसको मस्तक से लगाते हैं। तो माला हाथ में ले बैठ राम राम कहते हैं, परम पिता परमात्मा के नाम का किसको पता नहीं है। तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का चहुंओर पसारा, और एक राम दुनिया से न्यारा। तो जो दुनिया से न्यारा राम है उसको याद करते हैं। शिव बाबा है मुख्य, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती भी मुख्य हैं, बाकी ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो जो पुरुषार्थ करते रहते हैं उन्हों के नाम होंगे। आगे चल तुम सब देखते रहेंगे, जब पिछाड़ी होगी तब तुम यहाँ आकर रहेंगे। दुनिया में हलचल होगी, अंत समय में टिकट मिल जाएगी, किसको मिलेगी, किसकी टिकट कन्फर्म होगी,
जिसकी बुद्धि की लाइन क्लीन एंड क्लियर होगी, उनको ही टचिंग होगी और वही बाबा के घर, अपने घर मधुबन पहुंचेंगे। बाबा कहते हैं जो पक्के योगी होंगे वही रह सकेंगे, भोगी तो थोड़ा ठका सुनने से खत्म हो जाएंगे। अंत तक बाबा के साथ, बाबा के ज्ञान में इस मार्ग पर कौन चलेंगे जो योगी होंगे, और जो भोगी होंगे, कच्चे होंगे, जरा भी हलचल हुई, थका हुआ, कोई ठोकर लगी, कोई पेपर आया तो भाग जाएंगे, छोड़ जाएंगे। कोई का ऑपरेशन देखने से भी मनुष्य अनकॉन्शियस हो जाते हैं, हिम्मत ही नहीं है तो दूसरों का खून देखते हैं तो फिर देखो खुद को ही चक्कर आ जाते हैं, गिर जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। अभी पार्टीशन में कितने मनुष्य मरे, वो लोग तो गपोड़े मारते रहते हैं कि हमने बिगर कोई लड़ाई राज्य ले लिया। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मिला स्वराज्य, अंग्रेजों को भगा दिया लेकिन गुलाम हो गए, कर्मेंद्रियों के गुलाम, इच्छाओं के गुलाम, स्वभाव संस्कार के गुलाम। परंतु मरे इतने जो बात मत पूछो, अहिंसा का युद्ध, अहिंसा से युद्ध, अहिंसा से राज्य पाया लेकिन कितनी मौतें हुई, कितनी आत्माओं ने शरीर छोड़ा, कितनी खून की नदियां बही। यह है ही झूठी माया, झूठी काया, झूठी माया है ना, सच्चा सुख नहीं है, अविनाशी सुख नहीं है। अभी सच्चा बाप बैठ तुमको सच सुनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे रथ तो जरूर चाहिए, मैं साजन बड़ा हूं तो सजनी भी बड़ी चाहिए। बराबर की जोड़ी हो तो जोड़ी अच्छी लगती है ना, तो बड़े दिल वाला है तो हमें भी बड़े दिल वाली बनना है। साजन बड़ा तो सजनी भी बड़ी चाहिए, शिव साजन तो शिव शक्तियां बनेंगी सजनी, ऐसी सजनी। वैसे भी एक पहिया कार का हो और एक पहिया साइकिल का हो, चलेगी कोई गाड़ी? नहीं चलेगी। बराबर की जोड़ी चाहिए ना, तो बाप समान बनना है। सरस्वती है ब्रह्मा मुख वंशावली, वह कोई ब्रह्मा की युगल नहीं है, ब्रह्मा की बेटी है। उनको फिर जगदम्बा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मेल है ना, तो माताओं की संभाल के लिए उनको रखा है। ब्रह्मा मुख वंशावली सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी हो गई, मम्मा तो जवान है, ब्रह्मा तो बूढ़ा है। 16 साल की कुंवारी कन्या और 60 साल के गृहस्थी अनुभवी रथ, दोनों उदाहरण हैं। सरस्वती जवान, ब्रह्मा की स्त्री शोभती भी नहीं, हाफ पार्टनर कहला न सके, अभी तुम समझ गए हो। तो बाप कहते हैं मुझे इस ब्रह्मा का शरीर लोन लेना पड़ता है, उधार पर तो बहुत लेते हैं। क्या चुकाते हैं बाबा? ब्रह्मा बाबा को भी पुरुषार्थ तो करना पड़ा ना, पुरुषार्थ करे तभी तो नंबर वन बने, तो उधार पर तो बहुत लेते हैं। ब्राह्मण को खिलाते हैं तो वह आत्मा आकर ब्राह्मण के शरीर का आधार लेगी। आत्मा वह शरीर छोड़कर आती है क्या? किसी के तन में कोई आत्मा को बुलाते हैं तो आत्मा क्या करती है? खुद आती है, उधार लेती है ना शरीर, कहते हैं। लेकिन क्या आत्मा खुद आती है? नहीं। यह तो बच्चों को समझाया गया है कि ड्रामा में साक्षात्कार की रस्म रिवाज पहले से नोंद है। कोई भी साक्षात्कार होता है या इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये ड्रामा में पार्ट है, ड्रामा में नोंद है। संस्कार इमर्ज होते हैं, आत्मा डीप स्लीप में चली जाती है। आत्मा ही शरीर से निकल गई तो मृत्यु हो गई ना, तो उस आत्मा के संस्कार दूसरे तन में इमर्ज हो जाते हैं। तो ये सब ड्रामा है, नोंद है। यहाँ भी बुलाते हैं, ऐसे नहीं कि आत्मा शरीर छोड़कर आएगी, नहीं, यह ड्रामा में नोंद है। बाप के लिए तो यह रथ नंदीगढ़ है, भाग्यशाली रथ, भागीरथ, नंदीगढ़। नहीं तो शिव के मंदिर में बैल क्यों दिखाते? देखो बैल के कान में कुछ कुछ कहते हैं ना, मतलब ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लिया शिव बाबा ने, तो उनको बताते हैं तो शिव बाबा तक पहुँच जाता है। सूक्ष्म वतन में शंकर के पास बैल कहाँ से आया? वहां तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, और वह युगल दिखाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग दिखाते हैं। बाकी वहां जानवर कहाँ से आया?
मनुष्यों की बुद्धि कुछ भी काम नहीं करती, जो आता है सो कहते रहते, जो मन में आया वैसी कहानी बना दी, लिख दी, हम सुनते भी रहते हैं, मानते भी आए, जिससे वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी होती है। जो आया सो कहे, टाइम भी वेस्ट, एनर्जी भी वेस्ट, सब कुछ वेस्ट। और ज्ञान मार्ग में क्या है, बाबा उन कहानियों का राज समझाते हैं, सत्य बातें सुनाते हैं। तो हमें अब अपना समय कहीं भी वेस्ट नहीं करना है, ऊर्जा खर्च नहीं करनी है, ऊर्जा बचानी है। जितनी बचाएंगे उतनी और क्रिएट होती है, सेव होती है और बढ़ती है। समय सफल करना है। तुम कहते हो, हम सो पावन देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते हम पतित पुजारी बने हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, पूज्य और पुजारी कोई भगवान नहीं बनता, उनको थोड़े 84 जन्म लेने पड़ते। माया मनुष्यों को बिल्कुल पत्थर बुद्धि बना देती है। हम सो का अर्थ यह नहीं कि हम आत्मा सो परमात्मा हैं, नहीं, हम सो ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, पुनर्जन्म लेते आएंगे। कितनी अच्छी समझानी है। बाप कहते हैं, मैंने जिसमें प्रवेश किया है, इसने बहुत गुरु किए, शास्त्र पढ़े हैं, जन्म भी पूरे 84 लिए हुए हैं, यह नहीं जानता, हम तुमको इन सहित बताता हूँ। उनका भी बताया, हम सबका भी बताया कितने जन्म, ब्रह्मा को भी बतलाता हूँ, उनको भी बताते, हम सबको बतलाते। सदैव भी तो सवारी नहीं कर सकता हूँ, ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों को बतलाता हूँ, मुझे रथ भी चाहिए ना, तुम बच्चे याद करते हो और मैं आ जाता हूँ। तभी हमने बाबा को सर्वव्यापी कह दिया, हमने जहाँ जैसे जिस समय याद किया, बाबा ने अपना अनुभव करा दिया, इसलिए शायद हम सर्वव्यापी कहने लग गए। लेकिन बाबा सर्वव्यापी तो नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम जब मुझे याद करते हो मैं आ जाता हूँ, मुझे तो सर्विस करनी है, तो श्री श्री शिव की मत से भारत पावन बनना है। बाबा को तो सर्विस करनी है। बाबा कहते हैं, मेरी मत से, श्रेष्ठ शिव की मत से भारत पावन बनता है, ये सेवा करते हैं बाबा। नर्कवासियों को श्री श्री का टाइटल देना रॉन्ग है, आगे श्री नाम नहीं था, अब तो देखो श्री 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 1008 क्या क्या नहीं टाइटल ले लेते हैं खुद ही। अभी तो सबको श्री अर्थात श्रेष्ठ बना दिया है, श्री श्री तो है शिव बाबा, है ना, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाला। फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर श्री लक्ष्मी नारायण, यह समझने की बातें हैं। नॉलेज बड़ी मजे की है, परंतु कोई कोई पढ़ते पढ़ते रफू चक्कर हो जाते हैं। इतनी इंटरेस्टिंग नॉलेज, इतनी गहरी, इतनी सरल, ये पढ़ाई पढ़ते पढ़ते कहीं तो गायब हो जाते हैं। क्लास बंक करने की आदत है, मुरली मिस करने की आदत पड़ जाती है। तो बाबा कहते हैं, नॉलेज बड़ी मजे की है, परंतु कोई कोई पढ़ते पढ़ते रफू चक्कर हो जाते हैं, माया हाथ छुड़ा देती है, दुकान भी नंबरवार है, बड़ी दुकान में जरूर अच्छे सेल्समैन होंगे, छोटे छोटे में कम होंगे, तो बड़ी दुकान पर जाना चाहिए जहाँ महारथी हों। अच्छा सेंटर, अच्छी दीदी, अच्छी ब्राह्मणी, बाबा कहते हैं जहाँ समझाने वाले हों वहाँ जाना चाहिए, जो खुद पुरुषार्थी हों, तीव्र पुरुषार्थी हों, जिनका संग साथ आगे बढ़ाने वाला हो, तो ऐसा संग करना चाहिए। जो खुद ही आलस अलबेलेपन में हों, ढीले ढाले हों, खुद ही माया के तरफ चक्कर में फंसे हों, बार बार माया की तरफ जाते हों, तो ऐसों से बचना चाहिए। बाबा कहते हैं महारथियों के पास जाओ, बड़ी दुकान में जाओ जहाँ सेल्समैन अच्छे हों। माताओं को तो बहुत टाइम रहता है, पुरुषों को धंधा आदि करना है तो बिजी रहते हैं, माताएं तो फ्री हैं। बाबा को पता है माताओं का समय कहाँ जाता है, घर का काम निपटाने के बाद में भी माताएं फ्री रहती हैं, समय निकाल ही लेती हैं ना, माताएं तो होशियार भी हैं, चेक करो कितनी सेवा कर सकते हैं, कितनी पढ़ाई कर सकते हैं। खाना पकाया बस, बाबा कहते और क्या काम है, खाना पकाया बस, फिर आत्मा का भोजन भी करना चाहिए, है ना।
तो वह तुम पर फिर बंधन डालते हैं। लेकिन घर वाले बंधन डालते हैं, सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी उपास जाने से विष बंद हो जाएगा तो रोकते हैं। अब माताएं किटी में जाएं, शॉपिंग जाएं, कहीं भी जाएं, मंदिर जाएं, जाने देते हैं, क्योंकि वहाँ जैसे गई वैसे आ जाती हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारियों के पास गई, पवित्र बनती हैं, धारणा में चलती हैं, तो जाने से रोकते हैं। लेकिन माताओं को अब तो समझ है ना कि किस में कल्याण है हमारा, तो अपना डिसीजन खुद लेना है, खुद के लिए खुद स्टैंड लेना है। बाबा ने आके सहारा दिया, समझाया, लेकिन करना तो खुद को है ना। तो एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो हजार गुना बाप की मदद मिलती है। शिव बाबा ऐसी तिरकनी चीज है जो घड़ी घड़ी भूल जाती है। तिरकनी है शिव बाबा, ऐसी चीज है, फिसलने वाली चीज है जो भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाते हैं। हाँ, बाबा स्लिप हो जाते हैं, हम बाबा उससे दूर हो जाते हैं। तो शिव बाबा ऐसी तिरकनी चीज है जो घड़ी घड़ी भूल जाती है। हाँ, इतने चिकने हैं बाबा। हाँ, तो बाप बिल्कुल सहज रास्ता बताते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भी कट जाएंगे और मेरे पास भी आ जाएंगे। तो पकड़ लो बाबा को, भूलना नहीं, छोड़ना नहीं, ऐसे याद करो कि पाप भी कटे और बाबा के पास, बाबा के साथ हम चले जाएं। याद नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे और साथ भी नहीं ले जाऊंगा, फिर सजा खानी पड़ेगी। तो योग बल या सजा बल। भक्ति मार्ग में छाछ पीते आए, मक्खन तो तुमने सतयुग त्रेता में खाकर पूरा कर दिया, बाकी पीछे छाछ रह जाती है। छाछ भी पहले अच्छी मिलती, फिर पानी मिलता है। आजकल तो देखो मक्खन ही नहीं खाते हैं, इसीलिए क्या ये बाबा का ज्ञान समझते नहीं है? नहीं चाहिए, मक्खन से परहेज है। भक्ति मार्ग में जो कुछ मिला वो छाछ है, लेकिन अभी जो बाबा दे रहे हैं ये सबसे अच्छा मक्खन है। सतयुग त्रेता में भी मक्खन मिलेगा, लेकिन ये जो मक्खन अभी हम खा रहे हैं, ज्ञान का मक्खन, जो अनुभव कर रहे हैं सुख शांति पवित्रता, ऐसा मक्खन पूरे कल्प में नहीं मिलेगा। लेकिन हजम ही नहीं होता ये किसी को, इसलिए पाचन शक्ति बढ़ानी है। बेस्टेस्ट क्वालिटी का माल है अभी जो मिल रहा है, कभी नहीं मिलेगा ऐसा शुद्ध ऑर्गेनिक डायरेक्ट परमात्मा से, गारंटेड। तो बाबा कहते हैं छाछ भी पहले अच्छी मिलती, फिर पानी मिलता है। तो भक्ति में भी पहले सुख था, अव्यभिचारी भक्ति थी, लेकिन अब तो व्यभिचारी भक्ति है, तो पानी मिसल है। सतयुग त्रेता में घी दूध की नदी बहती है, संपन्नता, धन, वैभव, ऐश्वर्य। अभी तो घी कितना महंगा हो गया है, स्थूल रूप से भी घी देखो कितना महंगा हो गया है। और ये बाबा के ज्ञान, ये जो मक्खन है, ये जो घी है, ये जो तरावट देने वाला है, ये जो शीतलता प्रदान करने वाला है, इसकी वैल्यू समझनी है। तो ऐसे धन दौलत नहीं देना है, फीस कुछ नहीं लगती यहाँ, लेकिन खुद को खर्च करना पड़ता है। खुद को खर्च करना माना समय देना, अपने आसुरी स्वभाव संस्कार को छोड़ना। अनमोल ज्ञान है, अमूल्य बनाता है, तो कर दो खुद को बाबा के नाम। बाबा हम आपके, आप हमारे, मेरा बाबा, सिर्फ मेरा बाबा। अच्छा, माँ पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, राज ऋषि बन तपस्या करनी है। पूजनीय माला में आने के लिए बाप समान सर्विस करनी है, पक्का योगी बनना है। दूसरा, नॉलेज बड़ी मजे की है, इसलिए रमणीकता से पढ़ना है, मूंझना नहीं है। वरदान है, वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्नजीत भव। वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्नजीत भव।
बाप दादा समझाते हैं, रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स बुद्धि में इमर्ज करो। हर दिन की मुरली से उमंग उत्साह की पॉइंट्स नोट करो, वह वैरायटी पॉइंट्स उमंग उत्साह बढ़ाएगी। मनुष्य आत्मा का नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है, इसलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट मनन करो या रू रिहान करो, वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो तो उमंग उत्साह से भरपूर रहेंगे और सब विघ्न सहज समाप्त हो जाएंगे। बाबा कहते हैं ना कि नवीनता चाहिए मनुष्य आत्मा को, क्या चाहिए, हर चीज़ नई नई चाहिए, एक जैसा एक चीज करते खाते पहनते देखते सुनते बोर हो जाते हैं। तो बाबा ज्ञान के इतने सारे पॉइंट्स देते हैं हमें, तो आज बाबा कहते हैं कि सुबह से पूरे दिन भर में उमंग उत्साह की पॉइंट्स जो मुरलियों में अलग अलग मिलती है उनको नोट करो, फिर टॉपिक्स निकालो, चाहे उन पर सोचो, किसी से उनके बारे में बात करो, ज्ञान चर्चा करो और वैरायटी रूप से जीरो बनो। वैरायटी रूप से हमें बिंदु स्वरूप में स्थित होना है, अलग अलग तरीके बताए बाबा ने, हीरो पार्ट की स्मृति में रहो, अलग अलग हीरो अलग अलग कहानियाँ अलग अलग एक्शन होते हैं ना, कितनी स्टोरीज होती हैं। तो बाबा कहते हैं जब इस तरह से नवीनता करेंगे, रमणीकता से पढ़ाई करेंगे, बातें करेंगे तो उमंग उत्साह से भरपूर रहेंगे, तो कोई भी विघ्न आएगा तो वो विघ्न लगेगा ही नहीं। बाबा ने गीत संबंध स्वमान कितने तरीके बताए हैं, योग की कितनी ड्रिल्स दी हैं, तो किसी न किसी तरीके से बाबा से जुड़े रहना है। स्लोगन है, अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। हाँ, इतना शांत निर्मल शीतल बन गए कि क्रोध क्या है पता ही नहीं, क्रोध कौन है वही नहीं पता, क्रोध को भी पास आने से डर लगे कि ये तो इतने शांत हैं इनको तो मैं हिला ही नहीं सकता हूँ, तो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए, ऐसे सरल शांत निर्मल बन जाना है। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट्स हैं, पहला बाबा ने कहा अशरीरी, तो हमें अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, बाबा के बन गए, बाप का बनना मना शरीर का भान भूलना। दूसरा बड़ी दुकान, जहाँ अच्छा सामान मिले, जहाँ से उन्नति हो, ऐसे ब्राह्मणों का साथ करना है, ऐसे संग में रहना है। तीसरा है टाइम और एनर्जी सेव करनी है। चौथा है मक्खन, तो परमात्मा मक्खन खाना है सुप्रीम ब्रांड का। और पांचवा है विघ्नजीत, कैसे बनेंगे, उमंग उत्साह में रहना है, नवीनता से ज्ञान समझना, सुनना सुनाना चर्चा करना है। ओम शांति। सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। विश्व में थी पाप की जब घटा
छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे बोलते भनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते भनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते भनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते धनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे।